ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है जो उसकी तस्वीरें हैं। और यकीन मानिएगा, यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जिनको भोजन की तकलीफ हो रही है, खाना ढंग से नहीं मिल पा रहा है, और तमाम लोग बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी हमने जिलाधिकारी कार्यालय में फोन भी किया था कि यहाँ पे कम से कम फूड पैकेट्स आप ड्रॉप करवाएं, क्योंकि लोगों पे खाना नहीं है। और एक बड़ी तस्वीर ये भी है कि ऊपर जहां ये लोग सब जा रहे हैं, यहाँ भी जाम की स्थिति हो रही है। एक पूरा पहाड़ क्रॉस करके एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम मुस्तैद जरूर है, लेकिन देखिएगा जो ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनके पास खाना नहीं है। और अभी मौसम चलिए साफ है, लेकिन अगर मौसम थोड़ा सा भी यहाँ से गड़बड़ाता है, माता जी आपने कुछ खाया? कहाँ से आए आप? कहाँ से आए हो? झारखंड सर, कशु पार करवा दीजिए सर। आप दर्शन करके आए थे ऊपर से? मैं चाहूंगा जो हमारे अभी वहां पे संवाददाता हमें दे, देखिएगा ये छोटे छोटे बच्चे बहुत घबरा गया है, बच्चा पूरा रो रहा है। सर हेलीकॉप्टर के इंतजाम में होगा? सर हेलीकॉप्टर के इंतजाम होगा? हेलीकॉप्टर का इंतजाम आप देखिएगा, कितना बड़ा प्रश्न है ये, जो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि किस तरह से आज हमारे लोगों के साथ, क्या यहाँ पे वाकई हेली नौ हेली की सर्विसेज हैं जो यहाँ पर हैं। मैं खुद सोनप्रयाग में हूँ अभी, 9 हेली की सर्विसेज हैं, उनमें से क्या कुछ सर्विसेज इनके लिए नहीं हो सकती? आपदा के लिए कुछ नहीं है, हमारी व्यवस्थाएं ऐसी हो रही है। आज वाकई बहुत बुरा लग रहा है, एक माइक लेके हम जो बात कर सकते हैं अपने लोगों के लिए कर सकते हैं, लेकिन आज अगर कुछ होता इन लोगों को क्या उठाया नहीं जा सकता था यहाँ से, हेली के माध्यम से या किसी भी अन्य माध्यम से इन लोगों को यकीनन यहाँ से उठाना चाहिए था, इनका यहाँ से निस्तारण फटाफट निवारण होना चाहिए था। ऊपर लोग जो जा रहे हैं, अगर यहाँ थोड़ी देर में बारिश आ जाएगी तो दोनों तरफ टूटा हुआ है। थोड़ा मैं चाहूंगा जो हमारे संवाददाता है वहां पे अमित, ये भी बड़ी मुश्किल से वहां पर पहुंचे हैं, बड़ी मुश्किलात से। अमित थोड़ा दिखाइएगा रोड कहाँ टूटी हुई है, रोड कहाँ कहाँ टूटी हुई है थोड़ा दिखाइएगा आप। रोड आगे को टूटी है, ये देखिएगा यहाँ से रोड बिल्कुल खत्म हो रखी है, जहां से आगे कुछ जाने के लिए नहीं है। यहाँ पर हमारी टीमें बड़ी मुस्तैद है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ बिल्कुल मुस्तैद है यहाँ पर, लेकिन यहाँ से आगे जाने के लिए कुछ भी नहीं है। और इसी तरह दूसरी तरफ भी हो रखा है, तो ये बीच में फंसे हुए लोगों को ऐसे ऊपर, यहाँ यहाँ चढ़ाई पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ कहीं से एनडीआरएफ की टीम ऊपर गई है, रस्सी के द्वारा इन्होंने रास्ता बनाया है, वहां से नीचे लाया जा रहा है। लेकिन जिलाधिकारी महोदय के नंबर पर जब हमने फोन किया कि यहाँ पर कुछ खाद्य पदार्थ छोड़े जाएं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने रात भर से कुछ नहीं खाया है, ये भूखे हैं, वहां पर बड़ी दूर से ये आए होंगे, इनको आज आपदा की वजह से या ये भूदशाव की वजह से तमाम चीजें हुई हैं, लेकिन समझिएगा इनको खाने की व्यवस्था वहां पर हो जानी चाहिए थी। और दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर नीचे जहां पर मैं हूं अभी, ये देखिए बड़ी स्पष्ट है, बहुत दयनीय स्थिति है यहाँ पर लोगों की। और ये आज पूरे दिन भर मुझे लगता है रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहेगा, कल रात से लोग परेशान हैं, और यहाँ जहाँ हम हैं वहां भी स्थितियां कुछ ऐसी ही हैं। ये सोनप्रयाग बाजार है जहां पर लोग, कोई कहीं बिस्तर लगा के बैठा है, कोई कहीं बैठा है, पर सबसे आवश्यक है ये लोग, ये देखिएगा। मैं चाहूंगा जरा इनसे बात की जाए, जो लोग वहां पर हैं इनसे बात की जाए जरा। कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, ये देखिए छोटे छोटे नौनिहाल, ये इनके लिए अगर खाने की व्यवस्था वहां पर, कुछ पैकेट फेंके जाते हैं हेलीकॉप्टर के माध्यम से। कहाँ से आए हैं? मैं जाता सरकार चाहती तो 2-3 घंटे रास्ता बन जाता है, ये लगा लो आप। हम्म, दे दे मिट्टी बना दी, 2 मिनट में रास्ता है तो जल ले, सबसे बड़ी बात तो जल है, जब यही बचे रहेंगे तो जल कब चढ़ेगा? अब बोले तो ना कहते हैं कि 4 तारीख को चढ़ा दी मैंने, वैसे जल का डेट है वो तो डेट ही है। मिट्टी को दे दो, मिट्टी बना दी भाई, तो सारा
बहुत बहुत धन्यवाद अमित, आपने अभी ये तस्वीरें हमें दिखाई। हम चाहते हैं कि इस बात को जो भी वीडियो ये देख रहा है एटलीस्ट इस वीडियो को शेयर करके आप भी थोड़ा सा माध्यम बन सकते हैं, इन लोगों को तक मदद पहुंचाई जा सके। जल्द जुड़ेंगे हम, सोनप्रयाग में क्या कुछ हो रहा है उस पर भी नजर डाले रखेंगे। नमस्कार।